दोस्तों सोचिए कि आप एक टैबलेट को यूज करते हैं और यूज करने के बाद आपके अंदर बहुत सारे सुपर पावर्स आ जाते हैं, तो आपके लिए वो कैसा रहेगा। भले ही वो सुपर पावर थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन आपको आपके दुश्मन कभी हरा नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये मूवी। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पावर मूवी के बारे में, जिसे रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस मूवी के बारे में। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक टैबलेट से, जिसे खाते ही ह्यूमन एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस ह्यूमन के अंदर कुछ देर के लिए सुपर पावर्स आ जाते हैं और वो सुपर पावर्स बहुत ज्यादा घातक भी होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि उस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपके अंदर उस टैबलेट को झेलने की क्षमता नहीं है तो आपकी जान भी चली जाएगी। तो मूवी की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि मूवी की स्टोरी यहीं से शुरू होती है। एक तरफ ऑफिसर फ्रैंक, जो कि किसी भी तरह से प्रोजेक्ट पावर टैबलेट के ड्रग डीलर को खोज के निकालना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आर्ट, जो कि अपनी बेटी को तलाश कर रहे होते हैं जो कि किडनैप कर ली जाती है, और एजेंट आर्ट किसी भी तरह से अपनी बेटी को खोज के निकालना चाहते हैं। और इन्हीं दोनों की मकसद को इस कंप्लीट मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है कि ये दोनों अपने टारगेट्स को किस तरह कंप्लीट करते हैं। मूवी एक्चुअली एक्शन बेस्ड मूवी है और जिन्हें एक्शन मूवी देखना पसंद है उनके लिए ये मूवी मास्टरपीस होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि ये मूवी मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों ये मूवी मुझे काफी हद तक अच्छी लगी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन एकदम ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है। और दूसरी तरफ अगर इस मूवी के एक्शन की बात करें तो एक्शन भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ओवरऑल मूवी की स्टोरी से लेकर मूवी की थ्रिलिंग एक्टिविटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और अगर इस मूवी को मैं अगर रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.5 स्टार, क्योंकि मेरे लिए ये मूवी अच्छी रही। तो बहुतों के मन में ये सवाल है कि हम इस मूवी को देखें या ना देखें। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन है कि इस मूवी को आप एटलीस्ट 1 टाइम जरूर देखें, क्योंकि ये मूवी एटलीस्ट आपको बोर नहीं करने वाली है। मूवी एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस एक्टिविटी के ऊपर बेस करके बनी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप इसकी कोई भी सीन को स्किप नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये मूवी मेरे लिए तो काफी हद तक अच्छी रही। आप भी इस मूवी को जरूर देखें और हो सकता है कि ये मूवी आपको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।